इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप किस तरह होलसेल बॉक्स एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं और अपने मनचाहे प्रोडक्ट्स अपने घर पर मंगा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर क्लिक करना होगा और होम पेज पर जाके होलसेल बॉक्स टाइप करना होगा। होलसेल बॉक्स टाइप करने के बाद सबसे पहला ऑप्शन आपके सामने आएगा 4.6 रेटिंग के साथ 5.8 MB की एप्लीकेशन होलसेल बॉक्स B2B ट्रेडिंग ऐप। इसे आप क्लिक करेंगे और इंस्टॉल बटन पर क्लिक करेंगे। काफ़ी बेहतरीन ऐप है जिसमें आपको 2 लाख से ज़्यादा प्रोडक्ट्स 600 से ज़्यादा अलग अलग मैन्युफैक्चरर से मिलेंगे। काफ़ी छोटी साइज़ की है तो आपके फ़ोन में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, स्टोरेज का कोई इशू नहीं आएगा। हम इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद ओपन बटन पर क्लिक करेंगे। ओपन पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपके सामने वीडियो आएगा, जिस वीडियो के थ्रू आपको बताया जाएगा कि आप एप्लीकेशन को कैसे यूज़ करें। आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, नहीं देखना चाहते तो हम नीचे स्किप करते हुए गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद मुझे ऐप को परमिशन देनी होगी। आप ध्यान रखिएगा एप्लीकेशन के नोटिफिकेशंस ऑन रखिएगा और ऐप को परमिशन देके रखिएगा, जिससे आपको हमारे द्वारा दी जा रही स्कीम्स, ऑफर्स, डिस्काउंट्स की जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहे। अब यहाँ पे मैं अपना मोबाइल नंबर एंटर करूँगी। और कंटिन्यू पे क्लिक करूँगी। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद मैं लॉग इन विद OTP पे क्लिक करूँगी, जिसके बाद मेरे नंबर पे एक OTP आएगा जो मुझे यहाँ पे एंटर करना होगा। OTP मैंने एंटर कर दिया है, मेरी प्रोफाइल सेट हो रही है। नेक्स्ट स्टेज पे मुझे अपनी प्रोफाइल कॉन्फ़िगर करनी होगी, सेलेक्ट करनी होगी कि मैं होलसेलर हूँ, शॉपकीपर हूँ, ऑनलाइन सेलर हूँ या रीसेलर हूँ, घर से काम करती हूँ। तो अगर मैं शॉपकीपर हूँ तो मैं शॉपकीपर पे क्लिक करूँगी और नीचे दिए गए ग्रीन आइकन पे क्लिक करूँगी। इसके बाद मुझे अपनी बेसिक डिटेल्स यहाँ पे एंटर करनी होंगी। सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस डालूँगी, फॉर एग्ज़ाम्पल abc@gmail.com अगर मेरा एड्रेस है। तो मैं यहाँ पे एंटर करूँगी। पासवर्ड मुझे सेट करना होगा, ये अल्फा न्यूमरिक हो सकता है। अभी के लिए मैं WSB123 पासवर्ड डाल रही हूँ। कॉन्टैक्ट नेम में मैं अपना नेम डाल दूँगी। मेरी शॉप का नाम है वंदना क्रिएशन। तो मैं यहाँ पे अपनी शॉप का नेम डाल दूँगी। अगर मैं एक रजिस्टर्ड डीलर हूँ, मेरे पास GST नंबर है, तो मैं यहाँ रजिस्टर्ड डीलर पर चेक करूँगी, नहीं तो मैं ग्रीन आइकन पर क्लिक कर दूँगी। चेक पर क्लिक करने के बाद मैं नेक्स्ट स्क्रीन पे जाऊंगी, जहाँ पे अगर मेरे पास GST नंबर है तो मुझे यस सेलेक्ट करना होगा। इससे पहले मैं अपनी प्रेफरेंस सेट कर देती हूँ। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं शॉपकीपर हूँ तो मैं किन प्रोडक्ट्स में डील करती हूँ, किस तरह के प्रोडक्ट्स मैं अपने पास रखती हूँ, वो प्रोडक्ट्स मुझे यहाँ पे प्रेफरेंस में डालने होंगे, जिससे होगा ये कि जब आप अपनी एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट के सजेशंस आपको अच्छी तरह से इजीली मिल पाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर मैं कुर्तीज़ में डील करती हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल कुर्ती और सूट्स में, तो मैं कुर्ती एंड सूट सेलेक्ट करूँगी और नीचे दिए गए नेक्स्ट बटन पर क्लिक करूँगी। इसके बाद मुझे अपनी रेंज सेलेक्ट करनी होगी कि किस रेंज तक के प्रोडक्ट मैं ख़रीदना चाहती हूँ अपनी दुकान पर बेचने के लिए। तो मैं यहाँ पे रेंज सेलेक्ट कर लूँगी। रेंज में फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कुर्तीज़ 1000 रुपये तक की खरीदना चाहती हूँ तो मैं 1000 तक की रेंज यहाँ सेलेक्ट कर लूँगी। और इसी तरह मैं सूट्स में भी 1000 रुपीज़ या 1500 तक के सूट्स अगर मैं परचेज़ करना चाहती हूँ तो मैं 1500 की लिमिट यहाँ पर सेट कर दूँगी। इसके बाद मैं नेक्स्ट स्टेप पे जाऊँगी, डन पे क्लिक करूँगी। डन करने के बाद सबसे पहले मेरे सामने देखिए ऑफ़र्स रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। आप अपने अगर ऐप का नोटिफिकेशन ऑन रखेंगे तो आपके लिए इजी रहेगा। ये टाइम टू टाइम आते हैं ऑफ़र्स की जानकारी लेने के लिए। डिस्काउंट्स जो हमारे रन करते हैं उनकी जानकारी आप तक नोटिफिकेशन के थ्रू पहुँचती रहेगी। इस ऑफ़र को अभी मैं क्लोज़ कर रही हूँ। इसके बाद मुझसे GST नंबर मांगेंगे। अगर मेरे पास GST नंबर है तो मैं यहाँ GST नंबर पर येस करूँगी। अगर मेरे पास GST नंबर नहीं है तो मैं नो पे क्लिक करूँगी। और अगर मैं GST नंबर अभी नहीं देना चाहती, बाद में देना चाहती हूँ, तो मैं नो पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट स्टेज रिमाइंड मी लेटर पे क्लिक कर दूँगी। इस तरह मैं अपनी एप्लीकेशन को कॉन्फ़िगर करके, रजिस्टर करके अपनी एप्लीकेशन के अंदर हूँ। अब मेरे सामने कैटेगरीज रिफ्लेक्ट हो रही हैं। यहाँ से मैं अपने मनचाहे प्रोडक्ट्स को सर्च कर सकती हूँ, ऑर्डर कर सकती हूँ, अपने मनचाहे एड्रेस पे मंगा सकती हूँ और अपने कस्टमर्स को बेच सकती हूँ। थैंक यू सो मच।